स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अंकुश वाजपेयी। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव के उपमहापौर पद के सृजन को लेकर लिखे गए पत्र को लेकर राजधानी रायपुर में सियासी बवाल मचा। इसको लेकर बीजेपी ने कांग्रेस सरकार पर केवल पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए काम करने के आरोप लगाए, वहीं विधानसभा में भी इसको लेकर सवाल जवाब हुए। बीजेपी ने मामले को कांग्रेस के अंदर चल रहे असंतोष से जोड़ा है। नगर पालिक निगम के एक्ट में प्रावधान है, अगर वो लोग विरोध करेंगे उसमें तीन जगह चार जगह प्रेरित है, डिप्टी मेयर का उल्लेख है कि मेयर चाहेंगे तो एक डिप्टी मेयर मनोनीत कर सकेंगे और जब वो नहीं रहेंगे तो उनकी एवज में वो काम कर सकेंगे। एमआईसी के सदस्यों में से डिप्टी मेयर कुछ राज्य हैं जिसमें अभी भी डिप्टी मेयर का इलेक्शन होता है अभी भी होता है, और कुछ राज्य हैं जहां मेयर को ये अधिकार दिया हुआ है राज्य सरकार ने कि वो एमआईसी में से किसी को डिप्टी मेयर मनोनीत कर सकते हैं। पिछले साल भी नगर पालिक निगम अंबिकापुर में सत्ता पक्ष ने अपनी ओर से डिप्टी मेयर मनोनीत करके एक्ट के प्रावधानों को पढ़ के राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा था, राज्य सरकार ने उसको सहमति अपनी नहीं दी थी, तो वही बात थी कि कोई चुनाव की बात नहीं। देखिए, ये कांग्रेस पार्टी का वैसे तो आंतरिक मामला है, लेकिन जिस तरह से घमासान अंदरूनी खाने में जो मचा हुआ है ये उसी का एक नुमाइना है, ये उसी का एक नमूना है। इसके पहले आपने देखा होगा कि विधान परिषद विधानमंडल की बात टीएस सिंहदेव जी कर चुके हैं। पार्टी के मचे हुए घमासान को रोकने के लिए जिस तरीके से इन्होंने हथकंडा अपनाया इस चुनाव में, अब अपने लोगों को उपकृत करने के लिए, अपने लोगों को कहीं ना कहीं पद देकर संतुष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है, उप महापौर के नया पद सृजित किया जा रहा है, और ऐसा लगता है कि प्रदेश में सरकार नहीं चलाया जा रहा है, अपने कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करने का एक दौर सा चल पड़ा है। तो निश्चित तौर पर बीजेपी का यह कहना है कि अपने जो कार्यकर्ता हैं उन्हें संतुष्ट करने के लिए कांग्रेस प्रदेश सरकार प्रयास कर रही है। जहां तक उप महापौर पद की बात की हम बात कर रहे हैं, इसको लेकर जो घमासान मचा है, जो लेटर लिखा है टीएस सिंहदेव, जो कि स्वास्थ्य मंत्री भी है छत्तीसगढ़ के, तो बता दें कि 1994 के अंत में निगम का जब चुनाव हुआ था उस वक्त जनवरी 1995 में कार्यभार उप महापौर का आखिरी बार चलन में था। उसके बाद से कई साल बीत चुके हैं और उप महापौर का जो पद है उसका कोई औचित्य उसके बाद से देखने को बीच में नहीं मिला, लेकिन एक बार फिर से जब पत्र लिखा गया टीएस सिंहदेव द्वारा तो उसको लेकर घमासान मचा है। बहरहाल चर्चा करेंगे, दो मेहमान स्टूडियो में चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है रायपुर स्टूडियो से, उनका परिचय आपसे हम करवा देते हैं। हमारे साथ कांग्रेस से अमित श्रीवास्तव जी जुड़े हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, और भगवानु नायक जी जुड़े हैं जो कि कांग्रेस से। दोनों का स्वागत है। अमित जी, जिस तरह से बवाल मचा हुआ है पत्र के बाद से, कल जो एक दिवसीय विशेष सत्र था उसके बाद भी निशाना कहीं ना कहीं बीजेपी ने आप पर साधा, और सवाल भी उठेंगे कि 1995-96 का मैंने भी जिक्र किया है, कुछ आंकड़े मैंने भी निकाले हैं इसको लेकर, उसके बाद से उप महापौर पद का यहां पर कोई ऐसी परंपरा नहीं थी, लेकिन अचानक से जब पत्र लिखा गया तो बीजेपी तो निशाना साधेगी कि असंतुष्टों को संतुष्ट करने के लिए एक नई कवायद शुरू की है आपने, क्या कुछ कहेंगे? जी देखिए, निश्चित तौर पे आपने जो कहा 94 तक पहले यहाँ पर उप महापौर हुआ करते थे और हमारे यहाँ जो उस वक्त में महापौर थे स्वर्गीय बलवीर जुनेजा जी उनके कार्यकाल में यहाँ पर डिप्टी मेयर गजराज पगड़िया जी हुआ करते थे, लेकिन उसके बाद सभापति जो उप महापौर का जो पद था उसको हटा के सभापति का पद सृजन किया गया, और सभापति के आने के बाद आज तक निरंतर वो प्रथा चली आ रही है। अब एक हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी जो कि बहुत ही प्रबुद्ध है, बहुत ही विद्वान व्यक्ति है, और उन्होंने अगर शासन को लेटर लिखा है, मंत्री को अपनी नोटशीट लिखी है, तो निश्चित तौर पर यह डिसीजन तो शासन को लेना है। लेकिन बीजेपी मुझे ऐसा लगता है कि मुफ्त में फड़फड़ा रही है, और बीजेपी वालों को कोई काम तो है नहीं, सिर्फ विरोध के लिए विरोध करना है, और जिस प्रकार से जनता छत्तीसगढ़ की जनता बीजेपी को फाड़ फेंक रही है, एक के बाद एक चुनाव में आप अंकुश जी देखेंगे तो विधानसभा चुनाव के बाद उपचुनाव और उसके बाद अब 10 के 10 नगर निगमों में हमारे लोग महापौर और सभापति बने हैं, और आज हमने पार्षदों का सम्मान किया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और निश्चित तौर पे मैं वहीं से अभी आ रहा हूं, और जो उत्साह हमारे पार्षदों में है, जो हमारे मेयरों में है, कि जनता ने जो उनके आशीर्वाद दिया है, इंपॉर्टेंट ज्यादा वो है कि हमको काम कैसा करना है, और निश्चित तौर पे अगर एक सीनियर मंत्री अगर लेटर लिखे हैं तो इसका डिसीजन कैबिनेट को लेना है। इतनी जल्दी बेचैन होना
कि और ये कहना कि कार्यकर्ताओं को उपकृत करने का काम कांग्रेस कर रही है इसलिए पद लाना चाह रही है, तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री बनने के बाद हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणाएं की थी उसमें एक ये भी घोषणाएं थी कि मेरे कारकेट में जो गाड़ियां हैं उसमें मैं 4 गाड़ी कम करना चाहता हूं, और उन्होंने 4 गाड़ियां कम कर दी। अगर ज्यादा अच्छा होता कि बीजेपी के लोग आज जो बात कर रहे हैं, अपने 15 साल जब इनके यहाँ भ्रष्टाचार चल रहा था और जिस प्रकार से पैसे को खर्चा करके बिना जनता से पूछे जिस प्रकार स्काई वॉक ये बना रहे थे, जिस प्रकार से भ्रष्टाचार में ये लिप्त थे, 2200 रुपए के मोबाइल को 4200 रुपए में बेचा करते थे, अगर उस समय ये नेता अपने नेताओं को अगर बोल दिए रहते तो शायद आज इनकी स्थिति ये नहीं होती अंकुश जी कि 15 साल बेमिसाल 14 में नहीं आ गए होते। अब रही बात उपकृत करने की, तो एक साल हो गया, मैं आपको बताना चाहता हूं हमारे सरकार आए एक भी कार्यकर्ताओं को क्या हमारे मुख्यमंत्री जी ने आज तक निगम मंडल बैठ दिया है? नहीं दिया है। तो मैं आपको वही कहना चाह रहा हूं कि हम कैसे छत्तीसगढ़ को हम समृद्ध छत्तीसगढ़ बनाएं, कैसे हम छत्तीसगढ़ को हम छत्तीसगढ़ का पैसा बचाएं, कैसे हम छत्तीसगढ़ में खुशहाल छत्तीसगढ़ को बनाएं। हमारी सोच ये है हम कैसे नवा छत्तीसगढ़ गढ़े, कैसे हम नरवा गरवा घुड़वा बारी की हम उसको सहजे, हम छत्तीसगढ़ की अस्मिता की बात कर रहे हैं। यही सब बातें भाजपा वाले उससे परेशान है, और जिस प्रकार जनता का हमें प्यार और आशीर्वाद अंकुश जी मिल रहे हैं ना, निश्चित तौर पे मुझे तो ये कहना है कि भाजपा अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। और कांग्रेस मुक्त भारत की बात करने वाले बड़ी बड़ी बात टारगेट फिक्स करते थे इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, 65 पार। स्थिति क्या हो गई, जो टारगेट ये फिक्स किए जनता ने हमें आशीर्वाद देके उससे ज्यादा सीट हमें जिताई। तो इसलिए थोड़ा इंतजार करिए, और मैं वही कहना चाहता हूं कि अभी कुछ हुआ नहीं है और उसके पहले ये इतने बेचैन हो रहे हैं, थोड़ा इंतजार करिए। शासन के पास उन्होंने लेटर लिखा है, ये कैबिनेट को डिसाइड करना है। और ये उन्होंने एक और चीज उसमें लिखी है कि ये जो मैंने कहा है कि उप महापौर होना चाहिए, ये डिसीजन महापौर को करना चाहिए कि वो अपने बीच से किसी व्यक्ति को बना दे। तो भाई ऑलरेडी वो पार्षद बन चुका है, ऑलरेडी उनके एमआईसी में वो होगा या पार्षद होगा, तो ऑलरेडी पार्टी उसको उपयुक्त कर चुकी है, और एक व्यक्ति को उपयुक्त थोड़ी हम करेंगे, उन्हीं में से उसको बनाया जाएगा। तो ऑलरेडी वो उपयुक्त हो चुका है, पार्टी ने उसको टिकट दिया है, तभी वो पार्षद बना है, तभी वो मेयर बना है, और उन्हीं में से किसी को बनाना है। तो इतना बेचैन होने की आवश्यकता मुझे लगता नहीं कि ऐसा बीजेपी को करना चाहिए। जी नायक जी, ये सवाल एक अहम उठाया है जहां तक श्रीवास्तव जी की बात है कि बीजेपी आरोप लगा रही कि हमारे खुद के जो नेता है वो संतुष्ट नहीं है और उन्हें संतुष्ट करने के लिए हम ये कदम उठा रहे हैं। लेकिन हकीकत तो ये है नायक जी कि विधानसभा चुनाव हुए तो बीजेपी की जो दुर्गति हुई वो किसी से छिपी नहीं है, उपचुनाव हुए जो दुर्गति हुई वो किसी से छिपी नहीं है, निकाय चुनाव हुए जो दुर्गति हुई वो किसी से छिपी नहीं है। तो यहां पर जनता का आशीर्वाद अगर प्रदेश सरकार के हक में जा रहा है तो क्या वाकई में आपको ऐसा लगता है कि कांग्रेस के अंदर असंतुष्ट नेता भी बैठे हैं जिन्हें खुश करने के लिए ये पत्र लिखा है सिंहदेव जी ने? देखिए, इसके लिए तो ये अच्छे तरीके से आदरणीय अमित भैया ही बता पाएंगे, क्योंकि यहाँ पूरी जिम्मेदारी के साथ वो बैठ करके अपना पक्ष रख रहे हैं। रही बात आदरणीय टीएस सिंहदेव जी का जो पत्राचार जो उन्होंने किया है हाल में ही, आप देखेंगे उससे पहले भी उन्होंने एक पत्र लिखा था कि इस प्रदेश में गुटखा तंबाकू पर प्रतिबंध लगना चाहिए। हालांकि बात वो बात अलग है, उन्होंने शराबबंदी की बात नहीं की, और अभी उन्होंने हाल में एक पत्र लिखा कि जो है कि प्रदेश में मेयर डिप्टी मेयर का जो पद है उसका सृजन किया जाना चाहिए। अब सरकार जो है वो कितना तवज्जो उनके पत्र को देखती है वो तो आने वाले समय में पता चलेगा। जैसा कि आदरणीय हमारे प्रवक्ता अमित भैया जी ने अभी कहा कि वो तो सरकार या जो कैबिनेट वो तय करेगी, लेकिन मैं एक बात कहूंगा अपनी ओर से कि देखिए डिप्टी मेयर का जो पद है, मेरे ख्याल से अगर हम इस पद का सृजन करते हैं तो इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि डिप्टी मेयर का जो काम है जो हमें समझ में आता है, इससे पहले भी हमने जो है डिप्टी मेयर को देखा है गजराज पगारिया जी के रूप में, अगर वो मेयर अगर अब्सेंस है, अगर वो उनकी अनुपस्थिति में और कुछ जिम्मेदारियों को लेकर के वो उनको काम दिया जाता है, इसके अलावा डिप्टी मेयर का कोई काम नहीं होता, एक रबर स्टैम्प का काम है,
कुल मिलाकर के पैसे की बर्बादी है। अगर हम पूरे प्रदेश में अगर इसको नियुक्त करते हैं तो कहीं ना कहीं खर्च में बढ़ोतरी होगा। ऑलरेडी हमारे छत्तीसगढ़ कर्ज में है, किसानों को अभी पूरी तरीके से जो समर्थन मूल्य का जो शेष राशि है वो नहीं मिल पाया है। ऐसे में अगर हम डिप्टी मेयर के लिए अगर एक पद सृजन करते हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि इससे सरकार, इससे हमारी छत्तीसगढ़ की जो पैसा है उसकी बर्बादी होगी, कहीं ना कहीं आपका ऐसा मानना है। लेकिन बीजेपी का मानना यह है कि असंतुष्टों को संतुष्ट करने की कवायद है। तो मैं आपसे अगर पूछूं नायक जी कि आपको इसके पीछे क्या मकसद दिखाई दे रहा है कांग्रेस का? देखिए, निश्चित रूप से सभी राजनीतिक दलों में 15 साल के बाद सरकार आई है और अभी बहुत सारे लोग जो 15 साल तक इस सरकार को लाने में संघर्ष किए हैं, तो कहीं ना कहीं एक नेताओं के या अपने समर्थकों के लिए उनकी व्यवस्था करना या उनको एक जिम्मेदारी देना, उपकृत करना, ये रहता है। लेकिन ये आज भारतीय जनता पार्टी जब थी वो भी वही करती थी, आज अगर कांग्रेस भी अगर वो करना चाह भी रही होगी तो उस पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई गलत कर रही है। लेकिन अगर हम ओवरऑल छत्तीसगढ़ की जनता की बात करें, हम कार्यकर्ताओं को एक तरफ छोड़ दें, किसी भी दल के हो, हम छत्तीसगढ़ की जनता की जो अर्थव्यवस्था है उसको देखें, जो आर्थिक स्थिति को अगर देखें, तो वास्तव में अभी छत्तीसगढ़ कर्ज में अभी बहुत सारे डेवलपमेंट के काम आप देखेंगे पूरी तरीके से अभी रुके हुए हैं। जिस तरीके का डेवलपमेंट तेजी से होनी चाहिए, चाहे सड़क, पानी, बिजली, वो देखने को नहीं मिल रही है। तो मुझे ऐसा लगता है ये जो डिप्टी मेयर का जो पद नया जो लाने की जो बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं वो सही नहीं है। मेयर इन काउंसिल ऑलरेडी रहता है, काउंसिल के जो मेंबर है उनकी बड़ी जिम्मेदारियां रहती है। वैसे भी इससे पूर्व में जो महापौर रहे हैं वो अपने अगर अनुपस्थित रहते हैं एक मिनट भर, तो कार्यवाहक महापौर के रूप में कई बार वो जिम्मेदारी देते हैं वरिष्ठ पार्षदों को। तो जब ऑलरेडी वो है तो उसके लिए अपने को डिप्टी मेयर करने की जरूरत नहीं। जी बोले श्रीवास्तव जी। जी देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मेरे छोटे भाई अभी भगवानों ने याद दिलवाया कि जब डॉक्टर किरणमयी नायक जब यहाँ पर मेयर थी तो वो मानसरोवर यात्रा पे जाती थी, तो एक महीने के लिए चार बार मनोज कंदोई जी यहाँ पर कार्यवाहक महापौर बने थे और अंतिम वर्ष जो था उस समय कार्यवाहक महापौर प्रमोद दुबे जी बने थे। तो निश्चित तौर पे अगर मेयर कहीं जाता है, कहीं बाहर भी जाना पड़ता है या कोई आवश्यक काम से उसको जाना पड़ता है, तो उसकी अनुपस्थिति में मेयर को ये राइट्स होता है कि वो किसी को भी जो अपने एमआईसी मेंबर हैं उनमें से किसी को भी वो कार्यवाहक महापौर बना के वो जाते हैं। मैं आपसे वही कहना चाह रहा हूँ ना कि बीजेपी सिर्फ विरोध के लिए विरोध कर रही है, और निश्चित तौर पे आपने जो कहा और मैं भगवानी जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि कोई भी पार्टी जब आती है, 15 साल जो कार्यकर्ता हमारे साथ रहा है, जिसने लंबी लड़ाई लड़ी है जी, जिसने 15 साल एक मिनट भी पार्टी का साथ नहीं छोड़ा, क्या पार्टी का दायित्व नहीं बनता कि हम उस व्यक्ति को चिन्हांकित करके उसको हम पद से सुशोभित करें और उसको भी ऐसा लगे कि हाँ, मैंने जो 15 साल संघर्ष किया है पार्टी के लिए, मैंने जो पार्टी की रीति नीति के लिए मैंने जो लड़ाई लड़ी है, विपक्ष में रह के लड़ाई हमने देखी, किस प्रकार से हमारे नेताओं पे केस लगा दिए जाते थे अंकुश जी, और किस प्रकार से हमारे नेताओं को बदनाम करने का षड्यंत्र यहाँ बैठी हुई सरकार करती थी। अब मैं आपको वही कहना चाहता हूँ कि ये हमारे में बेसिक डिफरेंस है कांग्रेस और भाजपा में। मैं आपसे कह रहा हूँ कि देखिए, हम बिल्कुल उपकृत करेंगे अपने कार्यकर्ताओं को जिन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी है और उसके बाद भाजपा के जो नेता हैं, जब उनसे विधानसभा चुनाव के बाद उनके प्रदेश अध्यक्ष जी से पूछा गया तो उन्होंने कहा हम तो विधानसभा चुनाव अपने कार्यकर्ताओं के कारण हार गए, उन्होंने अच्छा काम नहीं किया। साहब, कार्यकर्ता कभी किसी पार्टी को हराता नहीं है, हराते वहां के नेता हैं। अंतिम व्यक्ति में बैठा, पंक्ति में बैठा व्यक्ति कार्यकर्ता जो रहता है वो पार्टी का झंडा उठा के काम करता है, जनता के बीच में जाके सड़क की लड़ाई, सदन से सड़क तक का वही लड़ता है। मेरा ये बिल्कुल, मैं इस बात से दिमाग नहीं रखता जो उनके प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा था। हम तो कहते हैं कि कांग्रेस की सरकार आने में हमारे कार्यकर्ताओं की अहम रोल था और जो संघर्ष उन्होंने किया वो उसका परिणाम है कि आज इस प्रदेश में हम प्रचंड बहुमत से जीत के आए हैं। निश्चित तौर पर ये हमारे उन जांबाज साथियों का ही काम है और हमारे नेताओं का मार्गदर्शन बिल्कुल रहता है, लेकिन उन कार्यकर्ताओं की मेहनत निश्चित तौर पे ये सरकार बनाने में उनके पसीने को हम नहीं भूल सकते अंकुश जी, ये मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूँ जी। लेकिन जिक्र किया नायक जी ने कि फिजूल खर्ची इससे जरूर बढ़ेगी और प्रदेश के जो हालात हैं, कर्ज में डूबा हुआ है, तो क्या आपको ऐसा लग रहा है श्रीवास्तव जी कि खर्च बढ़ेगा अगर आप एक नया पद लेकर आ रहे हैं? अभी तो बोलते हैं ना, अभी तो शुरुआत कुछ हुई नहीं है, अभी एक लेटर बस गया है जी, उस लेटर पे इतना वो करना कि आज बने तो है नहीं। अभी तो राज्य शासन के पास, मिनिस्टर के पास उन्होंने एक लेटर लिखा है, वो लेटर संज्ञान में मंत्री जी लेंगे, उसको कैबिनेट में रखेंगे, कैबिनेट डिसाइड करेगी। और मैंने तो आपसे कहा ना कि उन्होंने ये कहा है कि महापौर को स्वतंत्र कर दिया जाए, जिस प्रकार से मैं बीजेपी के, हम दूसरी जगह भी डिबेट करे हैं इस विषय में, बीजेपी के लीडर आरोप लगाते हैं कि आपके यहाँ रस्सा कस्सी चल जाएगी, आपके यहाँ इससे लड़ाई होगी,
अरे भाई साहब, आपने पूरा पत्र पढ़ा नहीं है। यही बीजेपी की सबसे बड़ी दिक्कत है कि आधा आधा अधूरा ज्ञान बोलते हैं ना, हाफ नॉलेज इज मोर डेंजरस। तो वो आधा नॉलेज लेके आ जाते हैं और ये कह, उसमें साफ उन्होंने लिखा है कि देखिए मेयर को ही ये राइट्स दे दिया जाए कि अपने एमआईसी में से वो किसी को डिप्टी मेयर बना दे, ताकि उसकी अनुपस्थिति में वो को कार्य संभालने के लिए वो सक्षम रहे। तो भाई ये सिर्फ अभी लेटर उन्होंने लिखा है। और आप जो कह रहे हैं, निश्चित तौर पे मैंने कहा ना कि जब से छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार आई है, कांग्रेस की सरकार आई है, हमने वो हर काम करने का प्रयास किया। अंकुश जी, आप विश्वास रखिए कि कैसे हमें छत्तीसगढ़ को समृद्ध बनाना है, कैसे हमको छत्तीसगढ़ को खुशहाल बनाना है, कैसे यहाँ के गांव, गरीब, युवा, आदिवासी महिलाओं को यहाँ पर, हमारे बेरोजगार युवकों को रोजगार देना है, और कैसे यहाँ पर हम खर्चा बचा सके। हम हर स्तर वो काम कर रहे हैं और उसका बेहतर परिणाम भी हमको मिल रहा है। तो हमको सिखाएंगे, जो बोलते ना सुपा बोले तो बोले, छलनी क्या बोले। ये 15 साल जो यहाँ पर बैठ के छत्तीसगढ़ को, जिस प्रकार छत्तीसगढ़ की जनता की गाड़ी कमाई को दीमक की तरह चाटने और लूटने का जो जिन्होंने प्रयास किया है, आज उससे हमको सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे वही कह रहा हूं कि भाजपाइयों से हमें ना तो सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता है। और जिस प्रकार, एक और मैं आपको बात कहना चाहता हूं कि ये बार बार हम पे आरोप लगाते हैं कि कार्यकर्ताओं को उपरीत कर रहे हैं, कार्यकर्ता तो उपरीत करना चाह रहे हैं। निश्चित तौर पर हमें जब मौका मिलेगा हम अपने कार्यकर्ताओं को बिल्कुल उपकृत करेंगे, लेकिन साथ साथ हम बैलेंस करेंगे। हम देखेंगे कि छत्तीसगढ़ का जो यहाँ पर जो घाटा है वो कैसे हम फिर से छत्तीसगढ़ को देखें। छत्तीसगढ़ जो है सबले बढ़िया छत्तीसगढ़िया ऐसे ही नहीं कहा जाता अंकुश जी। छत्तीसगढ़ी मिनरली बहुत रिच है जी, सॉरी बहुत मिनरली रिच है, लेकिन जो पूर्ववर्ती सरकार थी उसके कारण, आप देखिए कमीशन खोरी के कारण ऐसी बहुत सी योजनाएं, अगर वो उनकी जो जो कुशासन, मैं तो कहूंगा जो कुशासन था, उसके कारण आज छत्तीसगढ़ को 15 साल में ये 30 साल पीछे ले गए हैं। और अगर अच्छी योजनाएं ये लाते, अगर अच्छे से यहाँ पर लोगों को रोजगार देते, डेवलपमेंट के कार्य करते, तो निश्चित तौर पर आज इस छत्तीसगढ़ ये कहीं और रहता। हम ले जाएंगे कांग्रेस की सरकार पे, यहाँ की जनता ने विश्वास किया है, और जो प्रचंड बहुमत से हमको जिताया है, हमारी जिम्मेदारी और जवाबदारी और बढ़ जाती है। इसलिए हम वो प्रयास कर रहे हैं कि कैसे हम छत्तीसगढ़ को समृद्ध बनाएं, कैसे हम छत्तीसगढ़ को खुशहाल बनाएं, और कैसे यहाँ के लोगों को हम खड़े करें, ताकि छत्तीसगढ़ का जो नौयुवक है वो देश ही नहीं विदेश में भी जाके नाम कमाए। जी नायक जी, आखिरी प्रश्न ये भी उठता है कि घोषणा पत्र जब कांग्रेस ने निकाय चुनाव से पहले जारी किया था, तो कई ऐसे वादे थे जो पिछले 5 साल पहले निकाय चुनाव हुए थे तब भी जारी किए गए थे। कांग्रेस ने अप्रत्यक्ष प्रणाली से प्रदेश में चुनाव कराने का फैसला किया, उसका बीजेपी ने विरोध किया, लेकिन अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव हुए और महापौर नतीजा रहा कि 10 नगर निगमों पर पूरे महापौर जो है वो कांग्रेस के काबिज हुए। अब जब एक और खत लिखा हुआ है टी एस सिंहदेव जी ने, और उसको लेकर विरोध किया जा रहा है, मेरा एक सीधा सा प्रश्न रहेगा नायक जी कि आपको लगता है कि कांग्रेस अब सत्ता में है, प्रदेश में काबिज, निकायों पर उनके महापौर बैठे हैं, सभापति उनके हैं, उनके सामने चुनौती है कि हमने घोषणा पत्र में जो वादे किए थे वो हम पूरा करेंगे, हमें अपने हिसाब से काम करने दीजिए प्रदेश में, तो क्या मौका नहीं मिलना चाहिए उन्हें? या फिर जिस तरह से विरोध हो रहा है शुरू से, हम खुद भी देख रहे हैं, ऐसा विरोध जायज है? तंत्र में विपक्ष की जो भूमिका हमेशा वो जो विरोध की रहती है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि सकारात्मक चीजों पर सरकार के समक्ष जो है कुछ बातों पर जो है सकारात्मक तरीके से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। हर बात का विरोध हो ये कोई जरूरी नहीं है। अपनी बातों को, अपनी चीजों को रखने का पूरा अधिकार प्रत्येक न सिर्फ विपक्ष बल्कि सबको रखने का मौका है। अगर सत्ता अगर कोई ऐसा कोई काम करती है जो जन विरोधी काम हो, जो कि छत्तीसगढ़ की जनता के विरोध, अगर कोई ऐसा काम लगता है कि इससे कोई नुकसान हो सकता है, तो जो आम जनता के साथ साथ विपक्षों को भी उसको पूरा अधिकार रहता है कि वो अपनी बातों को रख सकती। भारतीय जनता पार्टी का अपना नजरिया है, वो किस तरीके से सोचती है ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बता सकते हैं। कांग्रेस अपना जो काम कर रही है वो अपने हिसाब से अपना प्रस्तुत कर रही है। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए। समय की कमी है तो निश्चित तौर पर जिस तरह से चर्चा के दौरान जिक्र किया श्रीवास्तव जी ने कि अभी तो खत लिखा गया है, उस पर अभी अमल होगा, ये एक प्रक्रिया है, लेकिन विरोध करना भी जायज है। न सिर्फ विपक्षी पार्टी बल्कि एक आम इंसान भी अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है, उसे अधिकार प्राप्त है संविधान में, अपनी बात को ऊपर लेकर जा सकता है, लेकिन कहीं न कहीं